एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह में इस मंगलवार को नवाचार देखने को मिलेगा। यहां पर थीम बेस्ड जनसुनवाई शुरू होगी। 18 जून को दमोह में दिव्यांगजनों के लिए विशेष जनसुनवाई का आयोजन किया जाएगा। दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने अपील जारी करते हुए जिले भर के दिव्यांगजनों से कहा है कि आचार संहिता के चलते बीते महीनों में यदि वो अपनी किसी समस्या से प्रशासन को अवगत नहीं करा पाए हैं या मौजूदा वक्त में उन्हें कोई परेशानी है तो वो जिला कलेक्ट्रेट आकर मंगलवार को अपनी समस्या से अवगत करा सकते हैं। जिला कलेक्ट्रेट में दिव्यांगजनों की इस विशेष सुनवाई के लिए खास इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी दिव्यांग को परेशानी या तकलीफ ना हो। इसके अलावा जनसुनवाई का दौर भी जारी रहेगा। इसको लेकर कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज़। कि आपको विदित है कि कल जनसुनवाई है, कल मंगलवार है और मंगलवार में जो जनसुनवाई के लिए बाकी व्यवस्थाएं वो तो यथावत है ही, लोग सामान्य जनसुनवाई में तो आएंगे ही। साथ में हमने दिव्यांगजनों के लिए विशेष जनसुनवाई कल रखी है। ये थीम बेस्ड जनसुनवाई है तो मेरा अनुरोध है सभी दिव्यांगजनों से जिले के कि यदि उनके किसी भी प्रकार के इश्यूज हैं जो कि पेंडिंग हैं, उनकी समस्याएं हैं तो वो कल सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच जनसुनवाई में अवश्य आएँ और हमारी पूरी टीम उसके लिए रहेगी। उसके लिए हमने एक अलग कमरा बनाया हुआ है, उस अलग कमरे में उनकी व्यवस्था होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद वे उस कमरे में जाएंगे और उस कमरे में दिव्यांगजनों से संबंधित जो अधिकारी हैं वो वहाँ बैठे रहेंगे और वो लोग आपकी समस्याओं का निदान करेंगे। तो कलेक्ट्रेट आप सभी जन सुनवाई के लिए सादर आमंत्रित हैं। यदि आपकी कोई समस्या है तो अवश्य आएं।